हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है आज की क्लास में। और आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 12 फिजिक्स का जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.1। अब इसमें क्या दिया है एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए दिया है टू चार्जेस 5×10⁻⁵ कूलम एंड −3×10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड एट 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया क्या पहले एक बार देख लें। हमको दिया है दो चार्जेस, एक दिया है 5×10⁻⁸, दूसरा दिया है −3×10⁻⁸। तो मान लेते हैं वो दो चार्जेस ये है, इसको हमने Q1 Q2 से रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों के बीच में 16 सेंटीमीटर का सेपरेशन है, तो इसको हम 0.16 मीटर भी लिख सकते हैं। अब हमको बताना है, ठीक है, हमको क्या बताना है, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, इन दोनों चार्ज को हम जोड़ देंगे तो उनकी लाइन पे किस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। ठीक है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे दो पॉइंट होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। मान लेते हैं 5×10⁻⁸ जो है वो Q1 है और −3 वाला ये है Q2। तो देखिए इस लाइन के बीच में किसी, मतलब मिड पॉइंट पे नहीं, इनके इन बिटवीन किसी पॉइंट पे, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट P है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। और एक दूसरा होगा, इस लाइन में आप आगे बढ़ जाएंगे, इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट Q है, ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो बीच में पोटेंशियल जीरो होगा और इसके राइट में होगा क्योंकि हम इसको −3 वाला चार्ज मान रहे हैं। अब सवाल ये उठ सकता है कि इसके लेफ्ट में भी तो एक पॉइंट होना चाहिए जहां जीरो पोटेंशियल मिले, तो ऐसा नहीं होता होगा और मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं होगा। तो पहले हम एक एक करके निकालते, पहले ये वाला जो इनके बीच वाला पॉइंट है वो कहां पे होगा जहां पोटेंशियल जीरो होगा। तो हम मान लेते हैं Q1 से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r, तो P से Q2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.16 −r, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से यहां पोटेंशियल निकालेंगे V1, इसके वजह से यहां पोटेंशियल निकालेंगे V2, और दोनों का जो सम आना चाहिए इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके वजह से जो यहां पोटेंशियल है वो होगा 1/4πε0 Q1/r, और प्लस इसके वजह से जो पोटेंशियल है वो होगा Q2/1/4πε0 Q2/0.16 −r, ये होगा। इन दोनों का जो पोटेंशियल है इक्वल टू जीरो होगा इस पॉइंट पे। अगर ये जीरो होगा तो r की वैल्यू आपको निकालनी है। आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले 1/4πε0 कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकल के यहाँ जीरो से डिवाइड कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो केवल बचेगा आपके पास Q1/r प्लस Q2/0.16 −r, ये बचा। अब Q1 और Q2 की वैल्यू रख दीजिए। Q1 की जो वैल्यू है 5×10⁻⁸ है, Q2 की वैल्यू है −3×10⁻⁸ है। अब ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये साइन हटा के डायरेक्ट यहाँ माइनस आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, 10⁻⁸ कॉमन है तो आप इसको यहाँ कॉमन निकाल के जीरो से डिवाइड कर देंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से और ये हट जाएगा यहाँ से, तो केवल बचा रहेगा यहाँ 5 और यहाँ केवल रह जाएगा 3। ठीक है, अब सिंपल वन वेरिएबल इक्वेशन हो गया। ये वाला टर्म को राइट हैंड में शिफ्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3/0.16 −r, ये हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5/0.16 −r इज इक्वल टू 3r, ये हो गया 0.8 −5r इज इक्वल टू 3r, 0.8 इज इक्वल टू इधर लाके प्लस कर देंगे तो 8r, तो r इज इक्वल टू 0.1 मीटर या r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो मतलब Q1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे जो पॉइंट P होगा वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के वजह से जीरो होगा। तो एक पॉइंट तो आपको मिल गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट निकालना है जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, वो पॉइंट Q है। तो अब हम इसको कैसे निकालें, तो देखिए इसको निकालने के लिए, ये आपको समझ में आ गया, मैं इसको अभी रब कर रहा हूं, फिर से वही प्रोसेस करेंगे दूसरे पॉइंट के लिए। इस केस में हम बस ये जो है इसको अभी हटा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, Q2 से
इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लो r, ठीक है, ये हो गया। अब q2 से इसका डिस्टेंस r है तो q1 से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.16 प्लस r हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, आपको पिछले केस जैसे पहले इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है और इसकी वजह से, और दोनों का पोटेंशियल इक्वल टू जीरो कर देना है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा 1/4πε0 q1 अपॉन 0.16 प्लस r हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से पोटेंशियल होगा 1/4πε0 q2 अपॉन सिंपली r और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब अगले केस में 1/4πε0 जीरो, दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल के आप जीरो से डिवाइड कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो इसको मैं यहीं हटा देता हूँ, ठीक है। फिर अगले स्टेप में आप q1 q2 की वैल्यू रखिए, q1 की वैल्यू हो गई 5×10⁻¹, q2 की वैल्यू हो गई −3×10⁻¹। अब ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा तो यहाँ हटा के ये माइनस यहाँ रख दिया। अब 10⁻¹, यहाँ 10⁻¹ कॉमन है, इसको निकाल के आप यहाँ जीरो से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचा, 5/0.16 प्लस r −3/r इक्वल टू जीरो। अब ये 3/r को राइट हैंड में शिफ्ट करके आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 5/0.16 प्लस r इक्वल टू 3/r। अब क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5r इज इक्वल टू 3/0.16 प्लस r और 5r इज इक्वल टू 0.48 प्लस 3r। अब 3r को यहाँ लाके माइनस कर देंगे तो 2r इज इक्वल टू 0.48 और r इज इक्वल टू 0.24, ठीक है। तो ये जो r है 0.24 है, या इसको आप लिख सकते हैं r इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानि q2 से 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, या q1 से अगर आप मेजर करेंगे तो 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको मिला 10 सेंटीमीटर पे Q1 से और दूसरा पॉइंट 40 सेंटीमीटर Q1 से, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके लेफ्ट साइड कोई पॉइंट हो सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो, तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो एक कोई पॉइंट मान लेते हैं जो लेफ्ट साइड में है, मान लो अब ये है पॉइंट पी हमारे लिए जो कि Q1 से R की डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, तो देखिए पहले इसकी वजह से Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे तो 1/4πε0 Q/r होगा। फिर इसके Q2 की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे तो 1/4πε0 ये हो जाएगा Q2 by 0.16 प्लस r हो जाएगा, दिस प्लस दिस, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, दोनों की वजह से पोटेंशियल जीरो होगा। अब फिर वही करेंगे 1/4πε0, 1/4πε0 कॉमन है तो ये हट जाएगा, जीरो से डिवाइड हो जाएगा। अगले स्टेप में आप q1 q2 की वैल्यू रखिए, तो q1 की वैल्यू है 5×10⁻¹, q2 की वैल्यू हो गई −3×10⁻¹, ये माइनस हटा के यहाँ बीच में लगा दिया, फिर 10⁻¹ गया कॉमन इसमें से निकल के, तो बचा 5/r 3/0.6 प्लस r। अब इसको आप इधर शिफ्ट कर दो तो 5/r इज इक्वल टू 3/0.16 प्लस r। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 5/0.16 प्लस r इज इक्वल टू 3r, ये कितना हो गया 0.8 प्लस 5r इज इक्वल टू 3r। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.8 इज इक्वल टू, इसको यहाँ लग के माइनस करेंगे −2r, तो जो r की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.8 और ये −2 इसमें डिवाइड हो जाएगा तो r आ जाएगा 0.4 माइनस में आएगा, या r इज इक्वल टू −40 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है ये जो डिस्टेंस हमने लिया है तो ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हमें इधर नहीं इधर जाना है 40 सेंटीमीटर में। तो घुमा फिरा के आप ये पॉइंट लेंगे तो भी देखिए आंसर क्या आ रहा है, −40 सेंटीमीटर। इसका मतलब लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट नहीं होगा जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, राइट साइड में ही वो पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा।